नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यप्रकाश आपके अपने YouTube चैनल चित्र क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अप्रैल में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप जो है उसमें करते भी हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पर अप्रैल में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी एक छोटी सी झलक आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपका जो काम है वो आप काम फटाफट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। देखिए, अप्रैल माह में पड़ने वाले जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसमें अगर मैं बात करूं विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हां, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। WHO के द्वारा ये मतलब कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाता है। तो 7 अप्रैल विश्व हेमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल। नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। थोड़ा सा याद रखिएगा, अधिकतर पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, एक नया जुड़ा हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए, इसमें मैंने मार्च के दो रखे हैं, एक विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। चूंकि क्या है कि अप्रैल का मैं बता रहा हूं आपको, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैंने यहां पर आपको याद दिलाने के लिए रख दिया, उसके बगल के महीना है भाई मार्च, तो मैंने कहा कि विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में भी आप जान लीजिए 24 मार्च को, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें कि इसमें भी कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा महत्व रखने वाला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और उसके अलावा जो हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि सर इसमें भी मतलब बता दीजिए, तो इसमें देखिए मेरे लिए तो बताना सब है, आपका काम है कि इसको याद रखना। तो अगर आपको कंठस्थ याद रखना है तो इनको विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल एक बार फिर से देख लीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये चार तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट तो है ही हैं, अगर परीक्षा में पूछ दिया तो क्या करेंगे। तो इसको भी आप उतना ही याद रखिएगा, लेकिन इसमें इन चारों को तो विशेष रूप से याद रखिएगा और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सरकार जो है इन पर ज़्यादा कदम उठाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भी देखिए समय समय पर बहुत सारे योजनाएं शुरू की जाती है, पृथ्वी दिवस के बारे में भी आपको जागरूक किया जाता है। मलेरिया क्षय रोग तो है ही है, ये तो समाज में ऐसे रोग हैं कि जिनसे लोग दूर भी भागते हैं, तो इसको आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। आगे जब मई आने वाला होगा तो मैं मई के बारे में भी आपको बताऊंगा, और इससे पहले का जो मैंने इससे संबंधित वीडियो दिया है जनवरी माह के, फरवरी माह के और मार्च माह के, तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी इन पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को जो है बारीकी से देखा करिए, ताकि आपको छोटी से छोटी बात अगर हो तो वो भी पता चल जाए। इसी के साथ मैं सूर्यप्रकाश आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।